हाय हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। बहुत दिनों के बाद में फिर से मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं अभी निकला हूं साइकिलिंग के लिए। शाम का ये दोपहर का 3 बजे का समय है, अभी निकला हूं। देखता हूं लैंडस्केप कहां में मिलता है। अच्छा अच्छा लैंडस्केप मिल गया, वहां पे मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग साथ में देखते रहिए दोस्तों। आज मैं वैसे तो कुछ प्लान नहीं बनाया हूँ, बल्कि ऐसे करूँगा वैसे करूँगा बोलकर जस्ट निकला हूँ साइकिल लेके। रास्ते में जो भी कुछ सीनरी अच्छा मिलेगा, व्यू अच्छा मिलेगा, आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा मैं। और मैंने घर से ऐसे बैठा हुआ था घर पे, सोचा कि मैं अभी कुछ प्लानिंग नहीं बना रहा हूँ, तो जस्ट सोचा कि साइकिल लेके निकल जाऊंगा, इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ। और मैंने अपना बैग, अपना कलर वो सब कुछ नहीं लाया हूँ, सिर्फ मैं साइकिल लेकर आया हूँ। और कुछ अच्छा व्यू लैंडस्केप अगर मिल जाता है, कुछ अच्छा ड्राइंग करने के लिए, स्केचिंग करने के लिए कुछ अगर मिल जाता है तो मैं अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के ले जाऊँगा और वहाँ पर घर में जाके इसको पेंटिंग स्केचिंग करने के लिए ट्राई करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। आप लोग देखते रहिए वीडियो को। बेटा को जाए बड़ा साइकिल लो पिने साइकिल लो पिने गुगामुगा आसे गुगामुगा आसे मैं इन्हें फुरी फुरी आई मैं भिडिओ बना ना गुगामुख मरी के এতিয়া এনেই ফুৰি আছোঁ মানে ভিডিঅ' বনাই পিনে মই ভিডিঅ' বনাওঁ মানে ইউটিউবত ছবি তবি হাকোঁ মানে এনেকৈ সেইকাৰণে আজি ওলাই আহিলোঁ মানে आप लोग देखिए ये दादाजी साइकिल लेके निकला है और करीबन कितना किलोमीटर कितना किलोमीटर होगा मुखर पूरा बड़दल लगे 20 किलोमीटर होगा 10 किलोमीटर होगा 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर मानने आना जाना करिसे तो ना आना जाना करिसे तो 20 किलोमीटर तो होगा अहा 20 किलोमीटर। देखे आप लोग ने सुना है कि दादाजी बड़दलोनी से गुगामुख और गुगामुख से फिर बड़दलोनी आना जाना, इतना बूढ़ा आदमी होके साइकिलिंग करके 20 किलोमीटर तक आना जाना कर रहे हैं ना। तो इस दादाजी से भी हम लोग को थोड़ा कुछ होने से भी इंस्पायरेशन मिलता है। আপুনি কিবা কামত গৈছিলে নে? মোৰ ভাই ঘৰ আছে। আপোনাৰ ভাই ভাই ঘৰ আছে, ভতিজা ল'ৰা আছে, তাত গৈছিলে। दादाजी अपने भाई का घर में गया था वहाँ पे, याद कैसे। और घुरी मारी यार पूरा ना। हाँ हो दोस्तों, आप देख रहे हो कि अभी मैं ये चढ़ाई में उठ रहा हूँ साइकिल को, यहाँ पर चढ़ाई में उठ के। तो अभी मैं दूसरा एक शॉर्टकट रास्ता
यहाँ मैं ढूंढ रहा था, मुझको मिल गया शॉर्टकट रास्ता जहाँ से ये ट्रेन आली पार करके जाते हैं यहाँ से। अभी समय जो दोपहर का 12 बज चुका है, तो मैं अभी धूप भी तेज़ धूप निकला हुआ है, तो साइकिल में धीरे धीरे करके मैं साइकिलिंग करते हुए यहाँ पर पहुँचा हुआ। अभी देख रहे हो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकला हुआ है, तो ये घास का नीचे में ये ब्रिज में मैं यहाँ में थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ, और नज़ारे बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। दोस्तों फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक्स और कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, और अच्छा वाला व्यू लेके, सीनरी लेके, अच्छा वाला ब्लॉग लेके, आप लोगों को स्केचिंग लेके आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो आपकी अभी के लिए थैंक्स।